गरीबों एवं सेना के मसीहा, आम जनता के प्रेरणा स्रोत, धरती पुत्र माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं उन्हें दीर्घायु होने की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही बताना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी के शुभ चिंतक सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग ही नहीं हैं, माननीय नेताजी को देश व विदेश के करोड़ों लोग अपना आदर्श मानते हैं। उसी के तहत आज हम बताना चाहते हैं कि उनके सिद्धांतों और उनके संघर्षों को लेकर चल रही समाजवादी पार्टी आज नेताजी के संघर्षों व सिद्धांतों पर चलने में बड़े पैमाने पर भटकी हुई है। आज नेताजी की स्थापित समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, मैं यह कह सकता हूं कि विपक्ष की भूमिका भी निभाने में लगभग पूरी तरह से फेल है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिन जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिनकी आवाज समाजवादी पार्टी को एक विपक्ष के तौर से जिस एक संघर्षशील तरीके से उठाना चाहिए उसे नहीं उठा पा रही है। आज समाजवादी पार्टी का प्रमुख नेतृत्व व प्रमुख नेता हमें काफी कमजोर लग रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उसी नेताजी वाले समाजवादी पार्टी की तरह ही आज भी पूरी तरह से जोश में है। नेताजी के संघर्षों और सिद्धांतों की एक हम छोटी सी बात आज आपको बताते हैं कि 2011 में जब हमने माननीय अखिलेश जी से मुलाकात हेतु नेताजी से कहा, तो नेताजी ने माननीय शिवपाल सिंह जी की बेटी की 2011 नवंबर में शादी के दिन ही हमें फोन करके कहा कि आपकी अखिलेश से बात हुई या नहीं। मैंने कहा मेरी बात नहीं हुई, तो नेताजी ने कहा कि आज वो शादी में बिजी होंगे, मैं बता देता हूं वह आपको फोन करेंगे और आपसे मिलेंगे। उसके बाद नेताजी के समय माननीय अखिलेश जी का संघर्ष क्या था, शादी के दूसरे दिन सुबह ही अखिलेश जी का हमारे पास फोन आया और कहा कि आज आप आ रहे थे मिलने के लिए, किस समय आ रहे हैं। मैंने कहा मेरी आपसे बात नहीं हो पाई, इस कारण से मैं अभी निकला नहीं हूं, अभी आपसे मेरी बात हो गई, मैं तत्काल अभी आगरा से निकलता हूं और मैं उनके पैतृक आवास शैफई करीब 2 घंटे में पहुंचा। उस समय अखिलेश जी ने कहा था कि आज आपने मुझे बहुत इंतजार कराया। उसके बाद करीब 2.5-3 घंटे हमारी माननीय अखिलेश जी से नेताजी के सिद्धांतों व संघर्षों के ऊपर काफी लंबी बातचीत हुई, जिस पर हमने कहा कि हम समाजवादी पार्टी से बाहर रहकर ही नेताजी के सिद्धांतों और संघर्षों को अपना आदर्श मानकर हम काम करेंगे। उसके बाद हमने 2011 में और 2012 शुरुआती में एक ऐसा अभियान चलाया, जिसके बाद नेताजी ने 2012 में जो
नेताजी की व समाजवादी पार्टी की सबसे पहली प्रमुख सफलता थी कि उत्तर प्रदेश में प्योर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। उसका श्रेय नेताजी ने हमें एक लिखे पत्र में कहा कि यह जीत आपके सहयोग से हुई है। उस समय जो माननीय अखिलेश जी का जो संघर्ष था वो अलग था और आज संघर्ष बिल्कुल अलग है। अभी एक दिन हम लखनऊ से होकर के आ रहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि वहां पर बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के लोग कार्यालय के बाहर घूम रहे हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर महिला कार्यकर्ता भी थे। हमने कहा कि आज कोई कार्यक्रम है क्या, तो उन्होंने कहा हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, परंतु हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना तो बहुत दूर है, कार्यालय के अंदर भी प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। यह है समाजवादी पार्टी का आज का राष्ट्रीय नेतृत्व। मुझे अफसोस है कि नेताजी के सिद्धांतों और संघर्षों वाली समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो पिछले लखनऊ में हुए लाठी चार्ज के विरोध में बांदा में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उनको जेल भेजा और आश्चर्य की बात है कि 44 दिन के बाद वो जेल से छूटे। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कैसे समाजवादी पार्टी के साथ दिल से खड़ा रह सकता है? अगर समाजवादी पार्टी ने अपना संघर्ष और नेताजी के सिद्धांतों पर अमल नहीं किया तो भविष्य बहुत अच्छा हमें समाजवादी पार्टी का दिखाई नहीं देता। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।